सरकार का एक साल का कार्यकाल महिला सशक्तिकरण को समर्पित कर रहा है। वहीं उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य मातृशक्ति की देन है। राज्य की 50% आबादी महिलाओं की है। वित्तीय समावेशन से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से लेकर आवास, शिक्षा, उद्यमिता में महिलाओं ने प्रभावी विकास यात्रा की है। राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण, लखपति दीदी योजना, घस्यारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा सफलता से संचालित की जा रही है। 30% क्षैतिज आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अन्य महिला केंद्रित योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही तीलू रौतेली पुरस्कार योजना, नंदा गौरा योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है। महिला सशक्तिकरण और महिला विकास को लेकर सीएम धामी का नजरिया साफ है। इसको लेकर सीएम धामी का कहना है कि आजकल महिलाएं शिक्षा, खेलकूद और स्वास्थ्य समेत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी छलांग लगा रही है। पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण के संघर्ष की उनकी भूमिका भुलाई नहीं जा सकती है। विकसित समाज की आधारशिला महिलाओं को सशक्त किए बिना नहीं डाली जा सकती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की बेटियों को आगे लाया जा रहा है, महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना ने बालिका शिशु के प्रति समाज का नजरिया बदला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में धामी सरकार का एक साल पूरा हुआ, लेकिन बात महिलाओं से जुड़ी। महिला किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, नेताओं के स्पीच की एक टच लाइन कहूं या फिर पंच लाइन कहूं, नारी के प्रति हमदर्दी जरूर होती है, चाहे मैनिफेस्टो की बात करें चाहे सभाओं की बात करें। लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो टिकट में आप देखते हैं कि डबल डिजिट भी कई बार नहीं पहुंच पाती है टिकटों की उस राज्य के अंदर, कोई राजनीतिक दल देख लीजिए। और यही बड़ी वजह है कि आज भी अगर हम बात करें तो 10% के 10 पॉइंट कुछ या 11% के आसपास महिला विधायक पूरे देश भर में। ये आंकड़ा लोकसभा और राज्यसभा में तो और भी चौंकाने वाला। खैर, लेकिन बात हम फिलहाल योजनाओं की करेंगे। धामी सरकार का एक साल और महिलाओं को लेकर के दावा है कि बहुत सारी योजना हुई है, मातृशक्ति का ख्याल रखा गया है, आधी आबादी है और उनका हक है ये कहा जा रहा है, महिला के प्रति रेस्पेक्ट योजनाओं से साफ झलकता है, ये धामी साहब का दावा है, बीजेपी का दावा है। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूजा बोखंड जी समाज सेविका हैं और मधु भट्ट जी बीजेपी से हैं, गरिमा दसोनी जी कांग्रेस से हैं, सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले रिएक्शन आपका चाहूंगा गरिमा जी, सरकार का एक साल हुआ
और एक साल को लेकर के आप विपक्ष की पार्टी में हैं, क्या रिएक्शन होगा इस पे, खासकर महिलाओं को लेके? नहीं नहीं बिल्कुल, जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जा रही है महिलाओं की, खासकर उत्तराखंड जैसे भौगोलिक विषमताओं वाले प्रदेश में तो मातृशक्ति का इतना बुरा हाल है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। जो बोझा जो है 22 साल 23 साल पहले जो उनकी पीठ पर था वो आज भी बोझा ढो रही हैं, किलोमीटरों दूर से पानी ला रही हैं, मवेशियों की जिम्मेदारी उन पर है, अपने सास ससुर की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उन पर है, अपनी रसोई की, अपनी खेती की जिम्मेदारी उन पर है। पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद हमारे समाज की, उत्तराखंड के समाज की धुरी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। एक दिन के लिए अगर किसी परिवार की महिला बीमार पड़ जाए पूरा घर स्टैंड स्टिल पर आ जाता है, टर्मोइल हो जाता है, ना कोई खाना बनाने वाला, ना कोई पशुओं को चारा देने वाला, ना कोई खेती देखने वाला। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हम लाए उस वक्त, जो हमारी सरकार थी उस वक्त, हम काफी सारी महिलाओं को फोकस करके हमने कुछ योजनाएं बनाई थी, जैसे नंदा देवी गौरा देवी कन्याधन योजना तो थी ही, हमने नवी पास करने पर बच्चियों को एक साइकिल मैदानी जिलों में और 25,000 रुपया एफडी जो है पहाड़ी जिलों में कराया, क्योंकि साइकिल पहाड़ों में चलती नहीं। वही हमने उनके 12वीं पास करने पर उनको नंदा देवी कन्याधन योजना, उनके गरीब घर के परिवार के बच्चियों की जब शादी हो तो उसमें गौरा देवी कन्याधन योजना, ना सिर्फ उस योजना का एकीकरण कर दिया पहले ही साल त्रिवेंद्र रावत सरकार ने 2017 में रेखा आर्या जी ने, और उसके बाद अब तो कटौती भी हो गई। अब सुनने में आया है कि 19 और 20 दो साल तो नंदा देवी गौरा देवी का कन्याधन मिला ही नहीं, वो लैप्सी हो गया पूरा पैसा, एक भी अभ्यर्थी को मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं चीजों को सिंप्लीफाई करने के बजाय, सपोज मैं एक ग्रामीण परिवेश की एक गरीब घर की बच्ची हूं, मेरे लिए अगर कोई सरकार की योजना है उसके लिए मुझे आवेदन करना है, पात्रता अगर मेरी है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बजाय इतना कम्बरसम टास्क उसको कर दिया गया है कि आदमी दूर से हाथ जोड़ लेता है कि भैया जितने कागजात तुम मांग रहे हो ऐसा लग रहा है एकड़ों जमीन हमारे नाम कर रहे हो। तो कागज पर कागज मांगे जाते हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे पूरे नहीं कर पाते और वो अछूते रह जाते हैं इन सरकारी योजनाओं से। मेरा सिर्फ लब्बो लुआब या मैं जिस्ट अगर कहूं तो 23 साल पहले जो हमारी महिलाएं भुगत रही थी आज भी स्थिति जस की तस। मधु जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, एक साल कंप्लीट किया धामी साहब की इस वर्तमान कार्यकाल ने, यूं कहें तो 2 साल हो चुके हैं। महिलाओं को लेकर के विपक्ष का दावा है कि योजनाओं को तोड़ मरोड़ करके एक करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए विपक्ष के पास जब समय था तो उनके समय में उन्होंने उनको भी 10 वर्ष का जो है समय मिला, लेकिन उस समय कोई किसी भी प्रकार की योजनाएं महिलाओं को लेकर ऐसी बनी नहीं कि जो आगे कुछ काम आ सके। आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमारी सरकार ने, जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बने, उन्होंने महिलाओं के लिए राजकीय सेवाओं में 10% का जो ये क्षैतिज आरक्षण दिया, ये बहुत बड़ी देन है। साथ में अभी मेरी बहन कह रही थी कन्या नंदा जो गढ़ योजना के तहत है, मैं बताना चाहूंगी 332 जो है करोड़ का उसमें अभी हस्तांतरित किया है, उसमें महिला उसमें हमारी जो बच्चियों को है उसमें लाभ मिल रहा है। साथ में 5 लाख तक जो है ऋण जो है बिल्कुल फ्री है, आप उसमें अपना स्वरोजगार उसमें कर सकते हैं। हमारी आशावाड़ी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनके लिए भी लाभ है हर प्रकार से, और महालक्ष्मी किट की जो योजना है वो भी दी जा रही है। किसी भी प्रकार से महिलाओं के लिए हर योजना जो बनी है, इतनी बड़ी जो हमारी आप देखेंगे पहाड़ों में बहुत सारी जो महिलाएं घास काटने के लिए जाती हैं उनके लिए घसियारी योजना बनाई गई, साथ में वहां के जो छोटे पिरूल होता है पिरूल को लेकर भी, मतलब रोजगार को लेकर अगर आप कहें कि केवल प्रसाद ही अगर बनाया जाता है तो 19 लाख के करीब मुझे लगता है महिलाओं ने कमाया उसमें, प्रसाद जो बनाया प्रसाद के जो डिब्बे उन्होंने बनाए थे, मतलब तो बहुत मैं कहूंगी एक बहुत बड़ी विस्तृत योजना जो है महिलाओं को लेकर चल रही है। और आने वाले समय में हर तरीके से आप देखेंगे, चाहे राजनीति में हो चाहे आप इसमें, क्योंकि राजनीति में भी महिलाओं को स्थान मुझे लगता है जितना ज्यादा सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है अपने कैबिनेट में जो दिया है, उतना वैसा ही सम्मान मुझे यहाँ पर भी अपने जो हमारी जो महिलाएं जीत कराई हैं उनको मिला है। हमारी विधानसभा की जो अध्यक्ष है माननीय महिलाएं हैं रितु खंडूरी जी हैं, साथ में हमारी जो महिलाओं को लेकर जितनी भी योजना महिला सशक्तिकरण को लेकर जो योजनाएं बनाती है वो अपनी बहन रेखा आर्य जी देख रही है, तो
कहने का तात्पर्य ये कि हर क्षेत्र में हमारी सरकार जो है महिलाओं के लेकर ही, जो चाहे राजनीति में हो, चाहे हमारे सामाजिक ताने बाने को लेकर हो, चाहे उनके जो छोटे छोटे स्वरोजगार लेकर आते हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह है, उन समूहों को लेकर हो, तो ये एक बड़ा वो है, साथ बड़ा एक कार्य है। साथ में आपने देखा होगा अभी जैसे हमारी महिलाएं जो है उज्ज्वला गैस के तहत हमने उनको महिलाओं को देखते हुए ही कि जो घरों में चूल्हा जो जलाती थी उनको लेकर भी हमने फ्री में उसको गैस कनेक्शन देने का भी एक उज्ज्वला गैस के तहत हमने वो भी दिया है। तो हर तरीके से हमारी सरकार जो है महिलाओं को लेकर ही जो है योजनाएं बनाती है, उन्हीं पे हमारा फोकस है। जी चलिए, मैं एक बार पूजा जी के पास में जाना चाहूंगा। पूजा जी, दावे सबके अपने अपने होते हैं, और देखिए बात करो उत्तराखंड की नहीं, देश के किसी भी राज्य में चले जाओ, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के पास चले जाओ, हर पार्टी की सरकार कोई भी देख, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो काफी अग्रेसिव होते हैं, जैसे ही हम सत्ता की कुर्सी पर होते हैं तो डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि आपको आपकी योजना की मार्केटिंग करनी है। बात जनता के फायदे की है, उसको लाभ कितना मिल पाता है, सबसे बड़ी बात यह है। ये सोशल ऑडिट की बात करें, आज जैसे समाज सेवी जो होते हैं वो बड़ी बारीकी नजर से देखते हैं, कुछ लोगों की बात कोशिश करते होंगे। ये भी एक हमारे संवैधानिक अधिकार के तहत एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि अभिव्यक्ति की आजादी के जरिए या अपनी बात कहने का हक आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। कुछ लोग आप लोगों के पास में भी आते हैं कि योजना तो ये है लेकिन उसमें फायदा मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा है तो बात कही जाती है। और आई थिंक जब बजट का टाइम आता होगा तो जैसे मैं राज्यों के कई जगह पे माहौल देखता हूँ, एक परंपरा सी बनी हुई है कि प्री बजट टॉक्स, आई थिंक उसमें सोशल जस्टिस से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी, या सोशल कॉज से जो लोग जुड़े हैं वो भी, उन लोगों से चर्चा भी होती होगी। तो वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं, बेशक साल एक हुआ हो, कुछ पुरानी योजनाएं चल रही हैं, कुछ नई योजनाएं होंगी, जनता को लेकर के क्या ओपिनियन है? आप तो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपने शायद जसपाल रिट्टी जी का वो प्रोग्राम देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा मीटिंग पे मीटिंग कर लेते हैं, आपने शायद ये बहुत फेमस रहा होगा, तारीख पे तारीख मीटिंग पे मीटिंग, तारीख पे तारीख मीटिंग पे मीटिंग, इस मुद्दे के लिए एक और मीटिंग कर लेते हैं जी। बात जहां तक हितों की है तो विपक्ष चाहे कितना भी कुछ बोले, जो सरकार इस वक्त पावर में है उनका धर्म है, उनका राजधर्म है ये जनता की हिफाजत करना, जनता के हितों का ध्यान रखना। और अंकुश जो मैं देख रही हूँ कुछ समय से, आप देख लीजिए 12 राज्य इनके हाथ से खिसक गए, 16 राज्य बीजेपी के हाथ से खिसक गए, इतना बड़ा मैंडेट सरकार ने दिया था इनके हाथ से खिसक गए हैं। ये जस्ट प्रूव करता है कि लोग खुश नहीं है, इसमें मुझे बोलने की क्या जरूरत है। अब यही बात इस मुद्दे की कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी, योजनाएं तो बहुत बनती है, जैसे जसपाल भट्टी ने कहा था योजना इंप्लीमेंट करने के लिए मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग योजना उसके बाद हर चीज में मीटिंग कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली वो फायदा जनता तक नहीं पहुंचा जी। और अहम बात यही है कि वो फायदा जिसके लिए बनाया जाता है अगर उसी को नहीं मिलता तो कोई फायदा नहीं हो पाता। मैं, जी मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में पूजा जी। मैं जी पूजा जी आप कंटिन्यू करें, लेकिन आपने तो सवाल खड़ा किया मधु जी से, मैं जनता का तो फायदा नहीं पहुंचता है, और मैं आऊंगा गरिमा जी लौटूंगा आपके पास। हाँ कंटिन्यू करिए पूजा जी, आप कंटिन्यू करिए। चले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके पार्ट पे, जब तक मैं मधु जी के पास में। मधु जी एक अभी बात कही कि योजनाएं तो सारी बहुत अच्छी होती हैं लेकिन बस वो 150 प्रति चली जाती है, उनके मॉनिटरिंग का कहीं ना कहीं उसका अभाव होता है, उसको लेकर एक रिएक्शन चाहूं। मुद्दा रखना चाहती हूं हमारी सरकार के सपने में। मधु जी आ रहा हूं, एक मिनट बोलिए। वर्तमान में जो सरकार, उनके पास समय कहाँ है? उनके पास समय नहीं है महिला के उद्धार का सोचने का, महिला के भलाई का सोचने का, वो तो सिर्फ जोड़ तोड़ इलेक्शन, हर राज्य में इलेक्शन, इलेक्शन में वादे, वो सब इसी में। पूजा जी हम फोकस करना चाहते हैं उत्तराखंड पे, मैंने इसी वजह से कहा कि हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं। बात कर रही हूँ उत्तराखंड के, आधे लोग तो सेंटर के साथ बिजी होते हैं, कहाँ समय है इनके पास?
इनके पास समय कहाँ है। और आप एक रेफरेंडम कराइए, जनता से पूछिए, पूछिए जनता से कितने खुश है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ इस बार इनकी सरकार खतरे में है, क्योंकि अब झूठे वादों से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाना पड़ेगा, महिलाओं का महिलाओं की भलाई के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और जो आपके जो इतने सारे योजनाएं बनी हुई उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 5 साल की सरकार थी, सरकार तो अब तो इलेक्शन दोबारा होने वाले हैं, तो मतलब आप बताइए कि अगर अभी तक अच्छा। और मैं आपको और आप महिला उद्धार धामी साहब को तो एक धामी सरकार का वर्तमान जो कार्यकाल उसको तो 1 साल अभी तो 4 साल बाकी है इनके पास में। कल ही देखिएगा जिस लड़की को मार के हरिद्वार में फेंका गया, उसकी मम्मी आत्मदाह की धमकी दे रही, उनको आज तक न्याय नहीं मिला, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, और असली कातिल पकड़े नहीं गए हैं, असली लोगों को सजा नहीं मिली है। तो आप किस योजना की बात कर रहे हैं? ये भी तो एक योजना है, महिला को न्याय दिलाना भी तो एक योजना है। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जीरो टॉलरेंस है, तो ये एक योजना नहीं है कि आप बलात्कारियों को सजा दीजिए? ये किस योजना के तहत में आता है? क्या सिर्फ गैस देना ही योजना है? एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध होता है, वो उसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब तक न्याय नहीं मिल जाना चाहता। अंकिता की माँ और पिताजी आज भी इधर-उधर भटक रहे हैं, तो हम किस योजना की बात कर रहे हैं? यहाँ योजना भंडारी केस की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, अंकिता भंडारी केस की बात कर रही हैं आप? भंडारी की माता पिता ने कल बोला है कि हम दोनों आत्मदाह कर लेंगे, वो बेचारे इतने परेशान हो गए हैं, किस न्याय किस हम क्या करेंगे उन योजनाओं का जो सिर्फ पेपरों में है। चलिए मधु जी जवाब दे रही हैं। मैं मधु जी कुछ सवाल खड़े किए गए हैं कि जब महिला को इस तरह का एक खतरा हो तो योजनाओं का फायदा क्या, और योजनाओं की धरातली स्थिति पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखनी चाहिए। मैं एक बात यहां जरूर जोड़ना चाहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, पार्टियां हमेशा फोकस क्या करती हैं मीटिंगों में कि आपको बूथ को मजबूत करना है, योजनाओं को लेके जाना है। ये कोई नहीं पूछता कि धरातली स्थिति क्या है, आपके वर्कर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। कोई राजनीतिक दल यह नहीं पूछने की कोशिश करता कि वाकई आप बूथ संभालते हैं, उस गांव की स्थिति आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जब जनता को देने की नीयत आपकी, तो उसी कार्यकर्ता से, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, पटवारी, ग्राम सेवक, विकास अधिकारी, उस पर भरोसा मत करिए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता से तो पूछिए कि वास्तव में हमने जो योजना बना के भेजी है, जिसका बजट एलोकेट किया है, वो जनता तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर आप देखेंगे, अगर मैं उत्तराखंड के परिपेक्ष में बात करूं, तो पूरा विकास आज पूरी पूरे पूरे सभी को दिखाई दे रहा है। और अगर कोई कुछ अगर उनको ऐसा है ना कि गिलास भरा हुआ है, गिलास आधा खाली है, ये जिसकी देखने की प्रवृत्ति है, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जनता सब समझती है। ऐसे ही नहीं, हमें दोबारा चुन के भेज दिया गया। यहाँ पे मैं पूजा जी की बात करूंगी, जैसे पूजा जी कह रही थी, देखिए पूजा जी, हमारी पूरी तरह से हमारी पूरी संवेदना है, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो हम भी सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब निर्भया जैसा कांड हुआ था, हम भी सड़कों पर उतरे थे, हमने कहा था एक बिल्कुल उसके लिए सख्त कानून बना, उसमें यहाँ तक कि मृत्यु दंड का प्रावधान अगर किया है तो हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार के समय में हुआ। और हम चाहते हैं बिल्कुल, जैसे अभी अभी बहन अंकिता, अभी जो बेटी है उसके अंकिता के बारे में बोला, बिल्कुल निश्चित रूप से उसको न्याय मिलना चाहिए, हम सब लोग उसमें लगे हुए, लेकिन साथ में कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कुछ जो भी प्रथम दृष्टया जो भी पकड़ा गया वो कोर्ट में, वो अभी जेल की सलाखों के पीछे, और बिल्कुल जैसे ही प्रूफ हो जाएगा, हम चाहते हैं उसको सख्त से सख्त, कठोर से कठोर उसको दंड दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से अभी जेल की सलाखों के पीछे, जिस प्रकार से आप ही कल खड़ी हो जाएंगी कि नहीं, निर्दोष को पकड़ लिया, निर्दोष को मोमबत्ती लेके आप ही लोग, आप ही समाज सेवी बनकर खड़े हो जाते उनके पक्ष में, लेकिन हम चाहते हैं बिल्कुल किसी भी तरह से जो दोषी है वो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, इस समय जेल की सलाखों के पीछे है, अगर जो भी पकड़ा गया। बहुत बहुत हो रहा है योगेंद्र जी, एक सवाल और खड़ा किया, एक सवाल मधु जी तो भंडारी केस में न्याय की बात हुई, एक सवाल और खड़ा किया कि जो योजना है योजनाओं की धरातली स्थिति पर सवाल खड़ा किया इन्होंने। बिल्कुल देखिए, योजनाएं अगर आप देखेंगे, हमारी अभी अभी यहाँ पे बोल रहे थे 80,000 जो लाभार्थी हमारी बहन है, हमने ऐसा ही नहीं किया, हमारे बूथ स्तर पर सम्मेलन हो रहे हैं, हम ऐसे ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज अगर देखेंगे हमारा महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, हमारी बैठकें हो रही है, टिफिन बैठके, हम तो जब बरसात हो तो हम टिफिन बैठके कर रहे हैं, हम हर समय जनता के साथ में है, हमारे कार्यकर्ता जनता के साथ में, और हम अपने
अपने संगठन में बूथ बूथ तक के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे लाभार्थी हो, लाभार्थी सम्मेलन अभी बताई थी। मैं केवल सुने जा रही हूँ, मुझे बहुत कुछ बोलना है। लाभार्थी सम्मेलन हमने किया है कि किन लोगों को, लाभार्थियों की सूची इंटरनेट पे डाल दीजिए। सेल्फी विद लाभार्थी, हमारे नेता सेल्फी विद लाभार्थी कर रहे हैं। अरे आप पूछिए ना उनसे, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इंटरनेट पे डाल दीजिए। चलिए मैं आ रहा हूँ मधु जी, लौट रहा हूँ। मधु जी आपको एक जवाब और देना, गरिमा जी से सवाल है। मधु जी लौटूंगा मैं आपके पास में। मधु जी अब आप गरिमा जी कुछ सवाल खड़े करेंगे, वो भी मैं जवाब आप ही से लूंगा, क्योंकि जवाब आप ही को देना है। जी गरिमा जी, पहले तो कुछ कहना चाह रही हैं आप। देखिए, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2021 के बलात्कार उत्तराखंड के, केवल 2021 के एक साल के अंदर 872 निकल के आ रहे हैं। और ये बलात्कार वो है, प्लीज मधु जी, ये कोई स्तर नहीं है डिबेट करने का। नहीं पसंद करेंगी आप, शायद नहीं पसंद करेंगी कि मैं कुछ अपशब्द बोलूं, इसलिए आप सभ्यता के दायरे में रहकर डिबेट करिए। बहुत शांति से आपको और पूजा को मैं सुन रही थी और दोनों के बीच में नहीं बोली, इसलिए मुझे भी आप थोड़ा टाइम दीजिए। 872 बलात्कार केस दर्ज हुए हैं, इसका मतलब समझते हैं योगेंद्र जी आप, कितनी ऐसी महिलाएं होंगी, अनसुनी महिलाएं, अनसंग कहते हैं जिनको, कि जिनको शर्म के मारे या डर के मारे जो सामने नहीं आती समाज के, ये वो हैं जो दर्ज हुए हैं केस 872। उत्तराखंड यूपी और बिहार की लाइन में आकर खड़ा हो गया आज महिला अपराध में। आप CMIE की रिपोर्ट निकालिए, महिला अपराध में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बन गया। अंकिता भंडारी की बात बहुत बढ़िया कही पूजा जी ने, अंकिता भंडारी नहीं, साथ में हेमा नेगी है, पिंकी नेगी हत्याकांड है, किरण नेगी है। क्या किया आपने पौड़ी की लड़की किरण नेगी के लिए? 3 बलात्कारी और हत्यारे बाइज्जत बरी हो गए, आपने याचिका नहीं डाली। आपने अंकिता के लिए कह रही है कि हम सब लगे हुए हैं, हमारा प्रयास लगा हुआ है, हमारी कोशिश लगी हुई है। किसको कहते हैं कोशिश? रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की इनकी विधायक है स्थानीय, अपनी आंखों के सामने खड़े होके बुलडोजर चलवाती है, सबूतों को नष्ट करती है, उसका वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में है। मधु जी जब चाहे देख ले, आपको शर्म नहीं आती मधु जी कि एक ऐसी महिला का साथ आप दे रही है जिसने उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता लूटने के बाद उसके साक्ष्य और सबूत को मिटाने में प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग किया हो? क्या किया आप लोगों ने रेणु बिष्ट के साथ? आज बताइए, बाल की बात किया आपने रेणु बिष्ट का, जिसने अपने सामने खड़े होकर बुलडोजर चलवाया? और अगर रेणु बिष्ट ने नहीं चलवाया तो फिर किसने चलवाया? आपने आज तक उत्तराखंड की जनता को बताया कि बुलडोजर किसके आदेश पर चला वनंतरा रिसोर्ट में? तो की बात है, कोई मरने वाली लड़की झूठ नहीं बोलेगी जो बलात्कार का शिकार हुई हो एक नहीं कई बार। अब तो वहां के स्टाफ ने कह दिया कि अंकिता के हत्या से पहले कई बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ। जो बलात्कार का शिकार हुई हो, जो अन्याय अत्याचार का शिकार हुई हो, वो बच्ची अपने व्हाट्सएप में टिकेगी क्या? योजनाओं पे लौटे हम, गरिमा जी योजनाओं की बात करें, गरिमा जी योजनाओं की बात करें। योजनाओं पे योजना अगर ये बड़ा पंचायत महिला हमारी मुद्दा नहीं है, 200 किलो मधु जी मैं समय हालांकि कम है, मैं जवाब दिलवाऊंगा, बस 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। गरिमा जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। जो है वो टमाटर के दामों, आपने गैस सिलेंडर अच्छी कही मधु जी, इसकी औकात है आपके 1100 रुपए की सिलेंडर भराने की, आपने रेट कहां पहुंचा दिया? केवल सिलेंडर चाहिए होता है, आप मेरे घर काम करती है वो भी 1200 रुपए का सिलेंडर ले रही है, जितनी उसकी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा तो उसका सिलेंडर में चले जा रहा है। जनता समझ रही, जनता हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ है, बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है आज हमारे साथ, बहुत बड़ी कांग्रेस महिलाएं हमारे साथ आ रही है ना, ये उसी का परिणाम, वो इसी का परिणाम महिलाएं।
ऐसे ही नहीं आ रही है महिलाएं, महिलाएं इसलिए आ रही है क्योंकि उनको हमारी हमारे दल पर और हमारी कथनी करने में कोई असर नहीं होगा। आपने अभी बच्ची से कहा, अभी आपने से कहा कि तुम कैंडल जाती हो बस किसी का बलात्कार होता है, खुद के लिए कह रही हूँ कि निर्भया कांड में हम सड़कों पर उतरे थे तो क्या आप भी नौकरी कर रही थी? आपने में हम सड़कों पर उतरे इतने कठोर कानून न्याय विपक्ष में बैठने के लायक है। निर्भया कांड में जिस तरह का हल्ला आपने काटा तो इस समय अंकिता के टाइम पर जरूरत थी। कौन सी महिला नेत्री आई अंकिता के साथ इस वक्त न्यायालय से हमें न्याय नहीं हो गया अंकिता 18 टाइम हो चुका, टाइम हो चुका। मैं एक बस पूजा जी 30 सेकंड आपसे लेना चाहूंगा, पूजा जी 30 सेकंड आपसे लेना चाहूंगा। चलिए सरकार का एक साल हुआ है, क्या क्या जाना चाहिए महिलाओं के हक की बात करें हम तो 30 सेकंड में आपसे चाहूंगा मैं पूजा जी। सबसे पहले तो नारियों के प्रति जो भी जघन्य अपराध होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम करना चाहिए, चाहे वो मंत्री का बच्चा हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे फिर संतरी हो या फिर आम आदमी हो। उत्तराखंड नारी प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर उत्तराखंड की नारी सब पर भारी, आपने सुना होगा। उत्तराखंड में नारियों की वजह से तो हमें उत्तराखंड मिला है, आज ये मंत्री संतरी सब अपना राजपाट संभाले हैं कि उत्तराखंड की नारियों की शक्ति की और नारियों की साहस और नारियों की समर्पण की वजह से आपको उत्तराखंड मिला। मान लीजिए उनका सरकार को चेतावनी है, एक निर्भया ने एक सरकार को पूर्ण रूप से गिरा दिया था, बाकी बारी मैं योगी चले मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा गरिमा जी, आप सभी को रोकना चाहूंगा, मैं सभी को रोक। तो चलिए धामी सरकार के एक साल को लेकर के महिलाओं की क्या स्थिति है उसको लेकर हमने नारी में चर्चा की है, अपने अपने दावे। सरकार का साफ कहना है कि महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि नारी के सम्मान की जो बात की जाती है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है, और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगता है कि योजनाओं की धरातली स्थिति की मॉनिटरिंग सरकार को जरूर करनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।